सब्सक्राइब कीजिए 0 to 9 चैनल को और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आज की स्मार्ट क्लास बेस्ड है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि सभी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम और एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, द सेकेंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व एंड द एट्थ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व? किस देश में प्राकृतिक गैस का विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व, कोयले का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व और तेल का आठवां सबसे बड़ा रिजर्व है? तो इसका आंसर है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज वर आइडेंटिफाइड एज द एक्सिस ऑफ इविल बाय प्रेसिडेंट बुश इन हिज स्टेट ऑफ यूनियन स्पीच इन 2002। राष्ट्रपति बुश द्वारा वर्ष 2002 में अपने स्टेट ऑफ यूनियन भाषण में एक्सिस ऑफ इविल के रूप में किन देशों की पहचान की गई थी? तो इसका आंसर है इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड? संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है दिसंबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पार्ट ऑफ अ रीजनल इनिशिएटिव इंडिया इनिशिएटेड द 2004 टोक्यो एग्रीमेंट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच एमर्ज्ड एज अ रिजल्ट। क्षेत्रीय पहल के भाग के रूप में भारत ने 2004 में टोक्यो समझौते की पहल की। इसके फलस्वरूप जिस संगठन का उदय हुआ उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है रिकैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हु स्टेटेड दैट ऑल वार इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन एंड प्रेज्ड इट एज द डिवाइन आर्ट ऑफ सब्टिलिटी एंड सीक्रेसी। उस सैनिक कूटनीतिक नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हु स्टेटेड दैट ऑल बार इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन एंड प्रेज्ड इट एज द डिवाइन आर्ट ऑफ सब्टिलिटी एंड सीक्रेसी। उस सैनिक कूटनीतिक का नाम बताइए जिसने बताया है कि तमाम युद्ध धोखे पर आधारित होते हैं और सूक्ष्मता तथा गुप्तता की दिव्य कला के रूप में उसकी प्रशंसा की। तो इसका आंसर है संज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु हेडेड द यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन कमीशन टू इराक इन 2002। वर्ष 2002 में इराक को जाने वाले संयुक्त राष्ट्र मॉनिटरिंग सत्यापन और निरीक्षण आयोग की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका आंसर है हैंस बिलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स लीस्ट इन्फ्लुएंसेस इंडिया फॉरेन पॉलिसी? भारत की विदेश नीति को इनमें से कौन सा राज्य सबसे कम प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सावरकर व्हाट वर द थ्री फंडामेंटल बॉन्ड्स दैट यूनाइटेड द हिंदूज? सावरकर के अनुसार वे कौन से तीन बंधन हैं जो हिंदुओं को जोड़ते हैं? तो इसका आंसर है टेरिटरी, रेस एंड कल्चर, मीन्स क्षेत्र, प्रदेश, प्रजाति और संस्कृति।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ओरिजिनेट्स विद। सहभागी लोकतंत्र के विचार का उदय किसके साथ हुआ? तो इसका आंसर है रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेटो डिस्क्राइब्स द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड बाय। प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अब। और अब ऑप्शन है आपके पास द एलिजरी ऑफ द केव, द मेटाफोर ऑफ द डिवाइडेड लाइन, द डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स मीन्स गुफा के रूपक द्वारा, विभक्त पंक्ति के रूपक द्वारा और रूपक के सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड बुद्धिज्म एज अ मोरल एंड टॉलरेंट अल्टरनेटिव टू मार्क्सिज्म। इनमें से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है? तो इसका आंसर है डॉक्टर वी आर अंबेडकर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन एंटाजोनिस्टिक एंड नॉन एंटाजोनिस्टिक कॉन्ट्राडिक्शंस। प्रतिरोधी तथा अप्रतिरोधी अंतर विरोध के बीच अंतर किसने किया? तो इसका आंसर है माओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज प्राइमरली। संरचनात्मक कार्यवाद मूलतः क्या है? तो इसका आंसर है अ फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, जांच पड़ताल का एक ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड द इलेक्टोरल लॉ एज द मेजोरिटी सिंगल बैलेट सिस्टम दैट टेंड्स टू अ पार्टी ड्यूलिज्म। इनमें से किसने निर्वाचन कानून को इन शब्दों में परिभाषित किया? बहुसंख्यक एक मतपत्र प्रणाली जो पार्टी द्वैधता की ओर प्रवृत्त होती है। इसका आंसर है ड्यूबर्गस लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज developed by the European thinkers came under the active discussion of social scientists in the US in the 50s. यूरोपीय चिंतकों द्वारा विकसित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत 1950 के दशक में US के समाजवादियों के बीच गर्मागर्म चर्चा का विषय बना? तो इसका आंसर है एलाइट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राल्फ मिलीबैंड म्यूट द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द रूलिंग क्लास विच पर्सपेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैन बी प्लेस्ड अंडर। राल्फ मिलीबैंड ने राज्य को शासक वर्ग के हाथों में एक उपकरण के रूप में देखा है, तुल्यात्मक राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण इसके अंतर्गत रखा जा सकता है? तो इसका आंसर है इंस्ट्रूमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कौन भारत की विधानसभा का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट वाज एसोसिएटेड विद द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। इनमें से किस राष्ट्रपति का संबंध भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से था? तो इसका आंसर है बीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सीट इज रिजर्व्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन रिलीजियस बेसिस। भारत के किस राज्य में विधानसभा में सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित होती है? तो इसका आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एडमिनिस्ट्रेशन एज
द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड एंड्स। इनमें से किसने प्रशासन को अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशन के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका आंसर है एच ए साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटिंग सिविल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट मेयर श्रेष्ठ इन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑफ। किस साल की विश्व बैंक रिपोर्ट में सुशासन और विकास के लिए सिविल सोसाइटी की सहभागिता पर बल दिया गया था? तो इसका आंसर है 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विद इन अ डिपार्टमेंट इज वेस्टेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल देन दैट सिस्टम इज नोन एज। किसी विभाग में प्रशासनिक अधिकार यदि एक ही व्यक्ति पे केंद्रित हो तो वह प्रणाली क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑडिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज। तो इसका आंसर है अ यूनियन सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड बाय। इनमें से किसके द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवा आरंभ की जा सकती है? तो इसका आंसर है रेजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत प्रस्ताव पारित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट वाज फॉर्मली अनाउंस्ड टू बूस्ट बाइलेटरल टाइज बिटवीन। किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए CECA की औपचारिक घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर है इंडिया एंड सिंगापुर। तो दोस्तों आज की स्मार्ट क्लास में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा।